नमस्कार दोस्तों, फोन फिक्स पुणे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मेरे पास एक वन प्लस 10T मोबाइल आया है, जो कि अभी डेड कंडीशन में मेरे पास आया है। तो अभी ये डेड कंडीशन में, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। पहले हम इसको चार्जिंग लगाएंगे। चार्जिंग लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा जो 6 पोर्ट चार्जर यहाँ पर कितना एम्पेयर लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एम्पेयर कुछ नहीं ले रहा है। तो मैं चार्जर को पलटी कर देता हूँ पिन को। तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह से इसके अंदर कोई एम्पेयर या कोई करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इसके अंदर प्रॉब्लम है, और डीसी मशीन भी यहाँ पर चालू नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैंने कैमरा वगैरह निकाल दिया है। ये कैमरा बड़ा वाला नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या कंडीशन है अभी। तो यहाँ से मैंने चार्जिंग लगा दिया है। चार्जिंग लगाने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर अभी बैटरी कनेक्टर के दो, इसके अंदर बैटरी कनेक्टर है, एक इस तरफ बैटरी कनेक्टर है, और ये दो उसके ये है, आप देख सकते हैं। और तो देखते हैं बैटरी कनेक्टर में कितना यहाँ पर एम्पेयर आ रहा है, वो भी देखते हैं। तो मल्टीमीटर को मैं डायोड मोड से वोल्टेज के मोड में कर दिया है। तो यहाँ से पहला इस जगह चेक करते हैं, इस साइड में। तो ये प्लस की लाइन है, तो प्लस की लाइन में यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये देखते हैं इस तरफ माइनस की लाइन है, इस तरफ भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। और बात रही थी इसके अंदर तीन, अभी इसके अंदर नए नए लेटेस्ट के अंदर क्लॉक डाटा और दूसरा एक मिक्स हो चुका है। तो इस तरह से इसके अंदर इस तरफ देखते हैं इसके अंदर कोई वोल्टेज आ रहा है क्या नहीं, जो अंदर की क्लॉक डाटा की लाइन है उस तरफ। ठीक है, इस तरफ कौन सा भी नहीं आ रहा है, तो इस साइड भी चेक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइड भी कौन सा भी वोल्टेज यहाँ पर, हाँ एक वोल्टेज यहाँ पर दिखाई दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 1.3 यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इस तरह से दो नंबर की लाइन में चेक करते हैं, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। वैसे तीन नंबर के लाइन में देखते हैं, तीन नंबर के कनेक्टर भी कोई अंदर के नहीं लाए, खाली एक ही यहाँ पर जनरेट हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो चार्जर है वो चार्जर भी सही लग चुका है, और यहाँ पर एक वोल्टेज यहाँ पर बफर है। और इसको मैं यहाँ पर चार्जिंग, इसकी बैटरी के अंदर चार्जिंग देखा मैं, तो बैटरी के अंदर कोई भी यहाँ पर चार्जिंग शो नहीं कर रहे हैं। शायद क्लॉक डाटा होने की वजह से यहाँ पर चार्जिंग कोई शो नहीं करता होगा। तो मैं अगर फिर से इसको देखता हूँ लगा के, तो डीसी मशीन में आप 6 पोर्ट चार्ज वाले इसके अंदर भी कोई यहाँ पर कुछ हलचल नहीं है। ठीक है, तो एक बार एक आईसी हमको मिल रही है, PM8350 यहाँ पर सी एक आईसी मिल रही है। तो उस जगह पे हम चार्ज लगा के देखते हैं कि यहाँ पर कहीं हमारा भी पेज मिल रहा है कि नहीं, वो एक बार चेक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ, तो इस तरह से इसके अंदर इस लाइन में चेक कर देता हूँ मैं, तो इस साइड चेक करते हैं, नहीं है कोई भी पेज, इस तरह से कोई भी पेज जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस तरफ भी कोई पेज की लाइन जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ से बैटरी का पत्ता यहाँ से निकाल देता हूँ। बैटरी का पत्ता निकालने के बाद फिर से देखते हैं एक बार चार्जर हमारा सही से कनेक्ट हुआ है क्या। तो चार्जर हमारा कनेक्ट हो चुका है, यहाँ से वेरिएशन हो रहा है। फिर एक बार चेक करते हैं कि ये भी पेज की लाइन हो सकती है, ये भी पेज की लाइन ना हो या हो भी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज यहाँ पर शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक बार इस तरफ भी एक दो कैपेसिटर दिखाई दे रहे, इस तरफ भी चेक कर देते, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो तो हम एक बार कूल टेस्टिंग करते। तो मैं इससे चार्जर को मैं बाजू में निकाल देता हूँ, और इससे हम कूल टेस्टिंग वी बैक पे और वी पेज पे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहला इस बैटरी कनेक्टर को देखता हूँ। तो इस तरफ 480 के करीब करीब यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरफ पे ग्राउंड है, तो अंदर के साइड देखते हैं, इस पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। इस पे आप देख सकते हैं इस पे वोल्टेज आ रहा था पहला, तो हो सकता है ये किलो ओम्स में इसकी रीडिंग आ जाए। तो किलो ओम्स में हम देखते हैं, तो मैंने यहाँ से किलो ओम्स में कर दिए। फिर
फिर यहाँ से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि लोन में जैसे कर दिया वहाँ फिर नहीं आ रहे। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इस लाइन में भी चेक करते हैं, इस तरफ 531 आ रहा है, इस तरफ ग्राउंड आ रहा है, वही से हम इसको प्रावर को मैं चेंज कर देता हूँ। फिर देखते हैं इस 530 आ रहा था, इस तरफ वो इलाके चला गया यानी सही है, और इस साइड में हम देखते हैं तो इस तरफ 1300 के करीब करीब आ रहा है, ठीक है। 1000 के ऊपर चाहिए या तो 1300, 1000 के नीचे ये तो 600 और 200 के नीचे करीब करीब चाहिए, ये तो 480 है। इस तरफ से घुमाया तो रिवर्स बाय में चेक किया तो 1000 के ऊपर चाहिए और आके जाना चाहिए, या तो नहीं गया तो भी चलेगा, ठीक है। चलो तो हम इसको एक बार ये केबल आरएफ केबल वगैरह यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं। और हाँ, और एक हमारे इधर भी चेक करने का रह गया तो इधर भी हम एक बार चेक कर देते हैं। तो इस तरफ ग्राउंड है, इस तरफ भी ग्राउंड है, हो सकता है ये वीपीएच की लाइन है तो यही शॉर्ट हो सकती है मेरे हिसाब से। तो एक बार इस तरफ ये वाला देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरफ इसके अंदर वीपीएच की लाइन मुझे अभी शॉर्ट शायद है इसके अंदर। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ये पत्रा यहाँ से रिमूव करने से पहले इस लाइन को मैं वोल्टेज यहाँ से जो है वहाँ पर दे सकता हूँ, वीपीएच की लाइन है इसलिए। तो यहाँ पर मैं और एक इसके अंदर कंफर्म करने के लिए वीपीएच की लाइन है वो कंफर्म करने के लिए मैं बोर्ड से थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, ताकि ये दूसरी लाइन होने की वजह से भी इसके अंदर कितना वोल्ट देना है वो भी सही नहीं माना जाएगा, 4 वोल्ट दिया तो। हाँ, वो हो सकता है इसके अंदर मैं यहाँ से जो रूप 1.8 वोल्टेज दे सकता हूँ, 1.8 वोल्टेज दे के यहाँ से कन्फर्म कर देता हूँ कि ये कहाँ गर्म हो सकता है वो भी पता चलेगा। तो इससे पहले मैं बोर्ड को थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, बाहर निकालने के बाद देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर हमको शॉर्टिंग मिलती है, क्या क्या होता है। शॉर्टिंग तो हमको पहले इसमें मिल गई है, तो ये यहाँ पर स्क्रू है, ये वाला स्क्रू और ये इसका इस साइड में स्क्रू है, तो दो स्क्रू यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। शायद मोबाइल पहले किसी ने खोला नहीं होगा तो ये डायरेक्ट मेरे पास आया है, तो इसलिए मैं आपको ठीक है अभी देखते ही निकलता है क्या, शायद सिम ट्रे वगैरह होगा शायद इसके अंदर, नहीं है सिम ट्रे तो बाद में हो, ठीक है। तो मैं इसको एक बार निकालने की कोशिश करता हूँ। हाँ, निकल गया, चलो। यहाँ पर और एक स्क्रू है, वो स्क्रू शायद निकला नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, निकल गया स्क्रू। और पिक्चर के पीछे के साइड देख सकते हैं अपन, पूरा शील्ड यहाँ पर है, तो हो सके यहाँ पर कोई, ये शील्ड एक बार उतार के देखता हूँ, शायद कहीं ओपन सर्किट हमको मिले जहाँ पर वीपीएच थोड़ा सा आ चुका होगा, मिलना मिल गया तो अच्छी बात है। तो यहाँ से मैं ऊपर का सील का थोड़ा सा निकाल देता हूँ, हो सके हमको वीपीएच का यहाँ पर कोई कैपेसिटर मिले कंफर्म करने के लिए कि वही वीपीएच की लाइन शॉर्ट है। तो मैं यहाँ से इसको निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सीपीयू है, ठीक है, ये पत्र निकालने की जरूरत नहीं थी फिर भी हमने निकाल दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर पत्र निकाला, ऊपर की जो पन्नी रहती है पन्नी जैसा, वो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। चलो हम यहाँ पर भी वीपीएच की लाइन यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, इस जगह पे हो सकता है वीपीएच की लाइन हो। कंफर्म करने के लिए एक बार मैं यहाँ से कॉइल है, इसका मतलब ये वीपीएच की लाइन हो सकती है। तो यहाँ पर मैं दो कैपेसिटर है इस तरह से, वो कैपेसिटर भी डायोड मोड भी मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से चेक कर देता हूँ मैं। तो
आप देख सकते हैं इस तरफ ग्राउंड है, तो उस तरफ चेक करते हैं तो इस तरफ भी ग्राउंड है। इसका मतलब है जो हमारा विपेच है ये यहाँ पर फुल शॉट है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पहला 1.8 वोल्टेज दे के देखते हैं कि ये किस तरफ यहाँ पर गर्म हो रहा है, वो भी चेक कर देते हैं। जिस तरफ गर्म हो रहा है उस तरफ हम पतरा, उस तरफ का पतरा निकालेंगे, और शायद हो सकता है कहीं कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, या तो हमारी चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो सकता है, या तो PMIC शॉर्ट हो सकता है। जो भी है उसके अंदर हम देखेंगे कि इसको वोल्टेज देखे कि इसके अंदर क्या शॉर्टिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ से वोल्टेज को यहाँ पर 1.8 यहाँ पर जनरेट करके इसके अंदर दूंगा। तो चलो यहाँ से मैं 1.8 सप्लाई देता हूँ, डीसी मशीन पे मैं 1.8 यहाँ से सेट कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, डीसी मशीन पे मैंने यहाँ से वोल्टेज 1.8 कर दिया है। अभी सीधा मैं इसको 1.8 सप्लाई यहाँ से दे दूंगा। तो इस तरफ हम देखते हैं पहला इसका प्लस का लाइन कौन सा है। तो हो सकता है इसके अंदर का ये वाला लाइन प्लस का हो सकता है, क्योंकि इस तरफ ग्राउंड। ठीक है, इस तरफ इस साइड हम देंगे। तो एक साइड में यहाँ से ग्राउंड करता हूँ और इस साइड देखता हूँ। तो यहाँ से वोल्टेज तो ले लिए, अब देखते हैं कि किस तरफ ये ग्राउंड यानी कहीं गर्म होता है कि वो भी चेक कर देते हैं। मुझे पीछे के साइड थोड़ा सा गर्म लग रहा है इधर, तो एक बार मैं यहाँ से फिर से वोल्टेज देता हूँ और फिक्स यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे हाथ से वो कहीं कहीं गर्म लग जाए। तो मुझे इस साइड थोड़ा सा गर्म हो रहा है लग रहा है, तो एक बार मैं ये पतरा निकाल के इस साइड थोड़ा रोजिन लगा के ट्राई करता हूँ कि शायद इस साइड हमारा जो पतरा निकाला है उस साइड शॉर्टिंग निकलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं पतरा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से UPH को वोल्टेज देंगे और वोल्टेज देके देखते हैं कि फिर इसके अंदर कहाँ गर्म होता है। तो इससे मैं इसको थोड़ा सा रोजिन लगा देता हूँ। रोजिन लगाने के बाद देखते हैं। तो हमने यहाँ से रोजिन अप्लाई कर दिया है। अभी देखते हैं कि किस तरह से कहीं पर ये गर्म होता है क्या, वो भी देखते हैं। तो यहाँ से मैं वोल्टेज इसके अंदर दे दूंगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बार फिर से वोल्टेज देंगे। थोड़ा वोल्टेज मैंने बढ़ा दिया है, गर्म नहीं हो रहा था। तो ठीक है, मैं यहाँ से देता हूँ वोल्टेज। और YouTube का आवाज नहीं आ रहा। YouTube नहीं कर रहा।
ठीक है, फिर से मैं यहाँ से लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर गर्म होने में थोड़ा सा महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरफ यहाँ पर गर्म हो रहा है, पीछे के साइड देखते थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा रोजन अप्लाई कर देता हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे इस तरह से दिखाई दे, कहीं पर सब जगह थोड़ा सा यहाँ पर गर्म हो रहा है इस तरफ। ठीक है, यहाँ से देखते हैं जो रोजन अप्लाई करते हैं फिर से और थोड़ा सा। ठीक है, फिर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये भी विपेश का है, यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो आईसी है, तो इस आईसी की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो हम पीछे के साइड देखते हैं, तो इस साइड भी देखते हैं थोड़ा सा गर्म, किस वजह से गर्म हो रहा है। तो यहाँ से पत्रा थोड़ा सा कट करेंगे। तो इस तरफ थोड़ा सा रोजन लगाएंगे क्योंकि पीछे के साइड थोड़ा सा ज़्यादा नीचे गर्म हो रहा था, इसलिए पीछे थोड़ा सा महसूस हो रहा था। ठीक है, तो अभी इसको रोजिन लगा दिया, अभी देखते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे से करंट देके आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ से मैंने किया रोजिन, जो इसका 5 एम्पीयर का दे दिया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर तुरंत ये कैपेसिटर कौन से तो गर्म हुआ है। तो इस तरह से हम इस तरफ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस तरफ यहाँ पर भी थोड़ा सा गर्म हो चुका है इस जगह और इस साइड में। तो और थोड़ा सा रोजिन लगाते हैं और कन्फर्म कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है वो भी एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं वोल्टेज देता हूँ इसके अंदर अभी, तो आप देख सकते हैं ये जो अंदर का कैप है, ये कैप यहाँ से शॉर्ट निकल चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये कैपेसिटर शॉर्ट निकला है, इसकी वजह से ये मोबाइल पूरी तरह से डेड हो चुका है। तो हम इस कैप को यहाँ से निकाल देंगे, निकालने के बाद देखते हैं कि हमारा यहाँ पर मोबाइल चालू होता है कि नहीं, वो भी देखते हैं। तो इस कैपेसिटर को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, मैंने इस तरफ एक कैपेसिटर को निकाल दिया, दूसरा भी कैपेसिटर यहाँ से निकल चुका है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हम फिर से बोर्ड को हम बॉडी में फिक्स करेंगे, फिक्स करके देखते हैं कि मोबाइल की क्या कंडीशन है। तो इस तरह से इसके अंदर जो वी पेज का जो एक कैप शॉट निकला, वो कैप में प्रॉब्लम था, कैप शॉट था। तो इस तरह से हमें आप यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर जो वी पेज की लाइन तो नॉर्मल हो चुकी है। तो इसको मैं चार्जिंग लगा देता हूँ, चार्जिंग लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो पहला कुछ एम्पियर नहीं ले रहा था, जैसे मैं यहाँ से यूएसबी केबल इंसर्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते 0.6 एम्पियर ले लिए। तो देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल वन प्लस के लोगो पे आ चुका है और उसका जो एम्पियर है 1.6 एम्पियर ले लिया है। तो ऐसा इसके अंदर प्रॉब्लम था कि वी पी एच की लाइन शॉर्ट थी, तो ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो आते रहेंगे, नए नए लेटेस्ट मोबाइल के भी आते रहेंगे, पुराने मोबाइल को भी आते रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसके अंदर और क्या
करना है या कुछ नया आपको बता एक सीखना है तो किस तरह से सीखना है, तो ऐसा है इसके अंदर। तो ये मोबाइल चालू होने तक यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं ये मोबाइल पूरा चालू होता है क्या, क्योंकि उसके अंदर वीपेज की लाइन शॉर्ट थी, क्यों दूसरी तरफ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि इसका वो चालू टच वगैरह चलता है कि ना, वो भी एक बार चेक करते हैं। तो इस तरह से तो आप देख सकते हैं टच पैड भी इसका वर्क कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।